कार्यक्रम किसान साथियों के लिए मिट्टी के ऊपर आधारित खेती पे है और सर ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके हम किसान को आगे बढ़ाने के लिए जैविक के अंदर बहुत अच्छा अहम कदम उठाया है। और जो भी हमारे को कीटनाशक बनाना है, ग्रोथ प्रमोटर करना है, तो उसी मिट्टी को कब लेना है, उसका स्प्रे कैसे डालना है, जमीन में कैसे देना है, इसके ऊपर आधारित आज का कार्यक्रम और सभी किसान साथियों के सहयोग से बहुत अच्छा चलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो भी किसान साथी अपना सवाल इनपुट करना चाहता है तो वो अपना इनपुट करेंगे, बाकी के किसान साथी अपना कैमरा बंद करके और स्पीकर को बंद करके रखेंगे। थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की परमिशन है तो। कीजिए ना सर, करिए करिए थैंक यू, संकल्प। थैंक यू सर। मैं मेरा नाम संकल्प शर्मा है, मैं विदिशा एमपी से हूँ, भोपाल से करीब 70 किलोमीटर से मेरा गांव, और मैं पिछले 5-6 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। सीवीआर सर से मैं करीब 3-4 साल पहले जुड़ा था, और मैं करीब 3-4 साल से सीवीआर सोयल टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं सभी किसान साथियों को एक ये संदेश देना चाहूंगा कि क्या होता है, हमारे एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है, राइट, उस पर हम उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। लोगों को ये लगता है कि मिट्टी के स्प्रे से कैसे आप कोई कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, मिट्टी के स्प्रे से कैसे आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, पोषण दे सकते हैं अपनी फसलों को। मैं सभी लोगों से आप यही एक आप सलाह देना चाहूंगा कि ये जो सीवीआर सोयल टेक्निक है, मैं खुद इसको करके देख चुका हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जो लोग शायद मुझे जानते हो उसमें सीवीआर सोयल टेक्निक के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, मैं चैनल का लिंक भी अभी चैट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। और एक बार आप अपने खेत पर इसका प्रयोग करके देखिए, सच मानिए चमत्कार है ये सोयल टेक्निक, और इससे अच्छा, इससे सस्ता विकल्प आपके पास नहीं हो सकता, जहां आप सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से आप अपने कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिली बग जैसा जो कीट है या कोई भी इल्ली है, मेरे पिछले 3-4 साल से मेरे चने में कोई इल्ली आई नहीं, तो इतना इफेक्टिव है। और मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज ये मैं सभी लोग यहाँ रेड्डी सर को सुनना चाहते हैं, तो सीवीआर सोयल टेक्निक का एक प्लेलिस्ट भी है, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, तो आप वो भी एक बार देखिएगा सेशन के बाद। थैंक यू सो मच। अनिल जी आप बात करें, आप कंटिन्यू करें, माफ कीजिएगा, हाँ आप जी, आगे। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अक्टूबर स्वाइन करना चाहता हूँ गन्ने की। जो सीवीआर टेक्नोलॉजी आपने बताई है, क्या इसमें सिंगल बर्ड को ट्रीट करके स्वाइन की आपकी जा सकती है? हाँ अनिल जी आपकी आवाज आवाज कम आ कट रही है थोड़ा। आवाज कट कट के आ रही है अनिल जी हाँ आपकी। हाँ कट रही है आवाज। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अक्टूबर स्वाइन गन्ने की करने जा रहा हूँ, और मैं सीवीआर टेक्नोलॉजी से गन्ने का बीज ट्रीट कर सकते हैं क्या? ओके इसके बारे में अनिल जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी हमेशा जो सीड ट्रीटमेंट किया है वो बीज अमृत से किया है, तो रेड्डी सर थोड़ा सा बेटर बता पाएंगे सीड ट्रीटमेंट के बारे में। अभी अभी देखिए संकल्प जी, जी सर, सुनने आ रहा है क्या हाँ मेरा सर, बिल्कुल बात? सुनाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये सीड ट्रीटमेंट मिट्टी का, मिट्टी में डालते हैं ना, जब ये अरंडी तेल और ये गहराई का मिट्टी दोनों का सोल्यूशन होता ना, वो बिल्कुल सीड ट्रीटमेंट का जैसा ही बनेगा। उसमें डुबा के डाले तो वो पानी में 20 किलो सबसॉइल गहराई का मिट्टी लेना और 1 किलो अरंडी तेल, पहले सूखी रहे ना मिट्टी, सूखी मिट्टी में अरंडी तेल डाल के और अच्छी तरह से दोनों हाथ से मिलाना। वो मिक्स करके फिर ड्रम में 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलना। घोलने के बाद अभी सीड ट्रीटमेंट के लिए गन्ना उसमें डुबा के लगाए तो जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और पहले से ही कीटनाशक दवा जैसा बन जाएगा वो, कोई कीड़े नहीं आएगा। अनिल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कितनी हाँ देर डुबाना है बीज को ट्रीटमेंट के लिए? नहीं बिल्कुल ऐसा डुबा के ले लो, ऊपर ज्यादा देर का जरूरत नहीं। जी 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 ऐसा डूब के ले लो।
सर मेरा इसी में एक सवाल और भी है, क्या हम इस सीवीआर टेक्नोलॉजी के साथ में क्या हम अपने जो गोबर के उफले होते हैं उसकी राख को भी मिक्स कर सकते हैं क्या? राख मिक्स करना, राख स्प्रे करना वो अलग बात है। अभी अरंडी तेल सबसॉइल आने के बाद मैं जो जिधर जड़ के पास थोड़ी थोड़ी यूरिया जैसा डाले और डीएपी डाले जैसा डाले तो मात्रा में बैगन में 2-3 महीने तक, अभी हर 15 दिन को एक बार डाल रहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये 1 एकड़ को 100 किलो समझो, 100 किलो को 5 किलो तेल मांगता, अरंडी तेल, और उसमें मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिए तो बैगन में एक रस चूसने का और कोई कीड़ा नहीं। ऐसा ही अबे मिर्ची में कर रही है आंध्रा और तेलंगाना में बहुत लोग, अभी उधर भी हरियाणा में भी कर रहे ज्यादा से ज्यादा लोग मिर्ची और कपास में ये रस चूसने का, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स और हरी मच्छर सब कंट्रोल हो रहे, नियंत्रण। और आने के बाद भी स्प्रे कर सकते, मगर आने से पहले जड़ के पास दिए तो वो बिल्कुल 100% वो पैदा ही नहीं हो रहे। वो जड़ जड़ के पास दे के पानी दिए तो वो अगर ले लिया समझो वो फर्टिलाइजर का रूप में ऐसा पौधे ले लिए तो वो कोई भी कीड़े नहीं आ रहे, रस चूसने का होने दो, हिली होने दो, कोई भी नहीं आ रहे। ये अनुभव मेरा एक ही नहीं, सभी किसानों का एक्सपीरियंस मेरे को दिया गया और बोल रहे भी ये तो बहुत बढ़िया है अरंडी तेल का सबसॉइल का स्प्रे। और हमारे पास एक जने फूल गोभी में 10 दिन को एक बार स्प्रे कर रहे, वो एक भी कीड़े नहीं है, अभी फूल तैयार होने लग रहे। और ब्रोकोली बोलते, वो ब्रोकोली भी बहुत बढ़िया है ये यहाँ हैदराबाद के एरिया में। हाँ ये समझना आप, फूल गोभी और भिंडी और ये बैंगन, ये 3-4 फसलों में ही, और कपास मिर्ची, ये 5 फसलों में कीड़े ज्यादा लगते। और एक बात मैं ये भी ध्यान करे, कोई फंगल डिसीज भी नहीं आ रही है, दोनों स्प्रे करे तो, ये जड़ के पास दिए तो भी अपना क्या बोल रहे खरपा वगैरह रेगुलर दिए तो वो भी नहीं आ रहे फंगल डिसीज, वो भी कंट्रोल हो रहे। ये ध्यान करना सब लोग, टेस्टिंग करके जड़ के पास जाओ और ऊपर से स्प्रे करो, स्प्रे करने से बढ़ रही बहुत हरा भरा हो रही। और एक बात बोलने का है मेरा, मैं जो अभी ड्रम में गोल गोलने के बाद 150 लीटर ही ले रहे, एक 50 लीटर वैसे ही छोड़ रहे ड्रम में, एक 8-10 दिन के बाद वो सड़ने शुरू होता वो तेल, वहाँ बचे सो तेल, फिर उसमें पानी घोल के वो स्प्रे कर रहे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे। वो स्वाद स्वाद नहीं, गंध गंध मतलब स्मेल, स्मेल तो बहुत बुरी हालत जैसा जीवामृत जैसा आ रहे, वो फिर नाइट्रोजन जैसा उपलब्ध हो रहे पौधे को, नाइट्रोजन सर और ग्रोथ अभी आप बढ़े। बोले ना वो सिर्फ रिपीट करिए, आपने हाँ? अभी जो बोला ना जो तेल का वो नहीं समझा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं कर देता हूँ सुनील मैम आपको। देखिए सर जो बोल रहे हैं कि जो मिट्टी आपने ली है ना, तो मान लीजिए 20 किलो अगर आपने मिट्टी ली है, तो 1 लीटर जो कैस्टर ऑयल होता है ना अरंडी का तेल, तो मिट्टी आपकी सूखी हुई नहीं चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी अगर आपकी सूखी है तो 1 लीटर जो तेल है उसको इस तरह से मिक्स करें कि पूरी मिट्टी, जैसे हम क्या करते हैं आटा जब गूंथते हैं तो क्या करते हैं, हल्का हल्का पानी पहले डालते हैं ना, तो सिमिलरली आपको ये जो मिट्टी है उसमें एक हल्के हल्के इसको ब्रॉडकास्ट करते रहिए ऑयल को। जब ये पूरा ऑयल आपकी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, तो इस मिट्टी को आप चाहें तो ऐसे ऐसे हम यूरिया ब्रॉडकास्ट करते हैं ना जड़ों के पास में, या कोई भी डीएपी हम डालते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म में, तो इस मिट्टी को आप पौधों की जड़ों के बाहर आप डाल सकते हैं मुट्ठी भर। और इसमें अगर आप पानी मिलाते हैं तो पानी का भी आप इसको एज ए स्प्रे के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो सर ने लास्ट में बोला है कि अगर 200 लीटर आपने पानी लिए, 200 लीटर का घोल तैयार किया है, 150 लीटर आपने यूज कर लिया, जो बाकी का जो 50 लीटर बच रहा है
वो क्या होता है कि जैसे जैसे डीकम्पोज होता है ना ये ऑयल, सड़ने लगता है ऑयल, उसके बाद अगर आप 7 से 10 दिन बाद इस वाले 50 लीटर को भी अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले। स्प्रे का प्रोपोर्शन क्या रहेगा 16 लीटर के लिए? नहीं, इसमें आपने क्या किया, 200 लीटर में घोल लिया ना, अब सेम इट इज एज इट इज, आपको पानी को आपको डालना है उसमें, डायरेक्टली हाँ बस उसको फिर आपको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में डालना है, डाइल्यूट नहीं करना है। स्प्रे कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट नहीं करना है? ठीक, हाँ जी, हाँ जी, सही थैंक यू। जी। अगला सवाल है रोहित कपिलेगा, रोहित कपिला जी हैं यहाँ पे, रोहित जी, रामदयाल जी, रामदयाल बाड़ू, वो निकल गए, रामदयाल जी, रवि सिंह, नमस्कार हाँ रवि सिंह जी, भाई नमस्ते, हाँ बोलिए बोलिए, नमस्कार हाँ आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है, थोड़ा साफ बोलिएगा। हेलो, अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है, हाँ मैं भाई सर रेड्डी सर से ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए जो जैसे वो गेहूं जब लगाते हैं या धान लगाते हैं। हेलो, सुन रहे, बोल रहे रेड्डी सर, मैं सुन रहे। हाँ रवि जी बोलिए, आवाज आ जी, रही हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ तो मैं ये जैसे जब वो गेहूं या धान लगाते हैं तो जैसे वो उसकी कैसे प्रिपरेशन करते हैं, या जैसे उन्होंने अंगूर के बाग लगाए हुए हैं तो जैसे वो नीचे उसमें क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं, या पूरी वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? मैं ये थोड़ा पूछना चाहता हूँ, अगर वो जवाब दे दे। हाँ, अंगूर के बाग, क्या हाँ जी, अंगूर के बारे में पूछ रहे? नहीं, नहीं ये नहीं धान। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे आपने गेहूं की वीडियो डाली सर, आपने गेहूं की जैसे आप कैसे तैयारी करते हैं सर, उसे खाली मतलब खाली गेहूं बो देते हैं जैसे जमीन तैयार करी और गेहूं बो देते हैं खाली, या उसमें पास ये मिट्टी, या यूरिया वगैरह या कुछ और मिक्स करते हैं, या डीएपी वगैरह डालते हैं नीचे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चम्मच भी नहीं डालते यूरिया, डीएपी, सुपर पोटाश, कोई भी नहीं। ओके सर, ओके ओके, अच्छा सर, मतलब बिल्कुल वो नेचुरल रहता है, और सर फिर हाँ ऊपर से वो सीवीआर वाला मेथड चालू होता है, ऐसा क्या? हाँ हाँ ओके सर, और सर जैसे मान लीजिए हम बड़े पेड़ लगाते हैं, बड़े पेड़ इन द सेंस की जैसे अमरूद के हो गए, या जैसे आपने अंगूर का बाग वगैरह लगाया हुआ है, तो सर जैसे उसमें क्या करते हैं? जड़ के पास सबसॉइल डालते हैं, सबसॉइल के साथ जो 1-1.5 साल से ये अरंडी तेल मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाल रहे हैं, वो भी बढ़िया चल रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, वो भी बढ़िया आ रहे नहीं सर, हैं। जैसे नया बाग लगाना हो सर, उसके लिए सर नया बाग बिल्कुल फ्रेश बाग अगर लगाना हो। पहले से ही, बोने से पहले से ही थोड़ा मात्रा में शुरू करना, वो उसका गंध है ना, वो स्मेल से, अरंडी तेल का स्मेल से कीड़े पेड़ तक पहुंचते नहीं, कोई ओके तो ठीक है सर, कीड़े, रिपेलेंट, रिपेलेंट माने उसको पसंद भगा नहीं देता है, आते। हाँ हाँ उसको भगा देता है। ओके सर, जी सर जैसे जैसे मान लीजिए मैंने मैंने तो अभी उसमें बैंगन वगैरह में और जो ये फसलें थी सर उसमें तो मैं कर ही रहा हूँ, उसमें तो मैंने हाँ करा है स्प्रे, लेकिन सर अभी फंगस सर नहीं भी कम हुई उसमें, फंगस की सर हाँ? अभी है शिकायत, फंगस है सर, फंगस कौन सा फंगस? सर वो मान लीजिए उसे क्या कह सकते हैं अपना, वो पत्ते बिल्कुल पीले हो गए हैं अपना, वो क्या कहेंगे, डाउनी मिल्ड्यू है। नहीं, बार बार बारिश, अगर मौसम खराब, मौसम हवा में ताप, वो नमी हाँ ज्यादा रहने से हाँ वो बार बार देना चाहिए। ये हर बारिश को, बारिश कैसा क्लीन कर देता, पानी नहाने जैसा हो जाता ठीक बात है, बारिश गिरे। जी ओके, अच्छा जी सर, जी अच्छा सर, जी जैसे ही बारिश खत्म हो सर उसके बाद तुरंत में सर फिर से अप्लाई करें, हाँ, फिर अप्लाई पत्ता करें? सूखने के बाद स्प्रे करना, ओके ओके पत्तों का ऊपर पानी नहीं रहना। ओके ओके ओके, हाँ सर, क्योंकि फंगस की सर अभी मतलब वो पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी की है सर शिकायत अभी। ये स्प्रे करे तो नहीं आता, आप जब लॉन्ग गैप, ज्यादा दिन गैप देते, अगर स्प्रे नहीं करते कुछ दूसरा काम के वजह से, ओके तभी ये डिसीज शुरू होता। ओके सर, ओके ओके, और समझ कभी गया कहीं सर, भी ये छूट गए सो, कहीं स्प्रे नहीं आया सो छूट छूट जाता ना।
सर हर 4-5 दिन के बाद तो सर कर ही सकते हैं सर, 4-5 दिन के में तो करते ही है सर ऑलमोस्ट। सब्जी में ऐसा करना, हफ्ते में या 10 दिन में दूसरा फसलों में करे तो ठीक है। तो और सब्जी में सर? सब्जी में 4-5 दिन को एक बार करे तो सब्जी का साइज भी बढ़ रहा है और यील्ड भी बहुत आ रहे, वो ओके सर। उत्पादन उत्पादन भी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। सर ऑयल वाला तो सर मैंने यूज करा है सर, ऑयल वाला तो सर ड्राई मिट्टी वाला, और सर वो तो सब मैंने यूज कर ही रहा हूँ। वो बिल्कुल 100% तुम्हारा कोई रस चूसने का कीड़े नहीं आ रहे, हमारा पास तो कोई कीड़े नहीं आ रहे। हाँ ठीक बात है सर, वो तो ठीक है सर, वो ठीक है सर, वो ठीक है बिल्कुल। हाँ ये आप ध्यान करना, गलती किधर हो गई, आप गैप दे रहे, नहीं तो कहीं गांव से किधर भी, नहीं तो स्प्रे करते करते लेबर का फॉल्ट छूट छूट गए तो। जी सर बताएं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सब मिट्टी से अपने पेस्टिसाइड तैयार करेंगे तो व्हाइट फ्लाई होते हैं, व्हाइट फ्लाई के अंडे क्या कि वो व्हाइट फ्लाई पत्तों के नीचे अंडे देती है वैसे ही, तो सर उसमें क्या कंट्रोल करेगी ये पत्तों के? बिल्कुल करेगी सर। आप देखिए जब भी आप स्प्रे करें आपको बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा तेज हो, ठीक है, और आपको पौधे को इस तरह से गीला करना है, बिकॉज आप कभी भी करके देखिए, क्योंकि ये क्या ना ये मन में हमारे डाउट रहते हैं, जब तक आप खुद करके नहीं देखें आपको रियलाइज नहीं होगा ये। तो आप जब भी करेंगे करने के कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद आपको उन पत्तों पर एक मिट्टी की हल्की सी परत दिखेगी। अरे जी राजेंद्र जी, हेलो संकल्प जी। जी सर। हेलो सर, मेरा एक सवाल है, मैं देसी कपास की फसल उगाई हुई है, उसमें मिलीबग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बताओ ना सर। कई बार एक बार तो खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से आ जाती है, बार बार आ रही है वो हर 5-6 दिन। सर मिलीबग के लिए डेफिनेटली आप ये मिट्टी का स्प्रे जो है सब सॉइल का आप डेफिनेटली यूज करके देखिए, आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा। और देखिए क्या होता है कि ये जो मिट्टी का स्प्रे है ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया होगे, आपको अगर देखिए पहले तो ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, पहले से आप शुरुआत से स्प्रे शेड्यूल फॉलो करिए, और मान लीजिए किसी कारणवश आप वो स्प्रे शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, उस केस में अगर आपकी फसलों में कोई रोग दिख रहा है जैसे मिलीबग है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है 10 दिन के अंदर 3 स्प्रे करिए आप, मतलब 3 से 4 दिन के गैप में स्प्रे को रिपीट करिए, और डेफिनेटली आपको मिली बग में रिजल्ट मिलेगा। रेड्डी सर से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने ही मिली बग में तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो ये मैं खुद ट्राई करके देख चुका हूँ सर। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई एक डाली छूट गई ना, तो उससे फिर वो फैलता जाता है, बस ये समस्या आ रही है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ सर, जब भी आप स्प्रे करें क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में सर यही एक ध्यान रखने वाली बात होती है, जब भी आप स्प्रे करें वो पूरा जो पौधा है, बिकॉज देखिए इसमें हमारा खर्चा क्या है, मिट्टी का कोई मिट्टी आपके खुद के खेत की है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ लेबर खर्चा है, और कहीं ना कहीं अगर आप स्प्रे पंप को यूज करें तो उसका पेट्रोल का खर्चा है। तो बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब भी आप स्प्रे करें पौधे को पूरी तरीके से गीला कर दें। कितनी मिट्टी लें सर? 30 किलो मिट्टी लेनी है 200 लीटर पानी में। जी सर धन्यवाद सर। पूरनल जी ठीक है, आप मैं एक बार वो वीडियोस भी देख लीजिएगा सीवीआर सोयल टेक्निक के ऊपर मेरे चैनल पर, आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा फिर। जी सर ठीक है। पूरनल जी, धनंजय जी कुछ पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल अभी आपने पार्टली आंसर किया है संकल्प जी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए और इसका अनुपात कितना होना चाहिए? अनुपात मतलब मेरा एक मतलब है एकड़ से कितना एकड़ में कितना स्प्रे करना चाहिए। सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया था। रेडी सर आप सर मैंने सवाल ये किया था सर आपसे, आपने मेरा पार्टली जवाब दिया है लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्प्रे है ये कितनी इसके फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और उसका अनुपात मतलब पर एकड़ कितना स्प्रे करना चाहिए? ओके, पर एकड़ आप इसमें 200 लीटर के ड्रम में जो आपने घोल बनाया है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, पर देखिए सर ये डिपेंड ये भी करेगा कि आपने कौन सी फसलें लगा रखी हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप बागवानी कर रहे हैं और आपके अमरूद के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं, पपीते के पौधे हैं, तो उसमें आपका ये घोल थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि पौधा बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका जो जो रेशियो है जो घोल आपने बनाया वो ज्यादा उसमें कंज्यूम होगा। सब्जियों की खेती में ये यस डेफिनेटली आप 200 लीटर का जो आपने घोल बनाया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो ये क्या है कि
आप ऐसे मत सोचिए कि कितने एकड़ में ये घोल जाएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है जो भी आपने क्रॉप लगाई है, सब्जियों की खेती है या कोई आपने अमरूद का बगीचा लगाया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूरे पौधे में अच्छे से स्प्रे हो जाए ताकि हर जगह वो मिट्टी के जो कण है वो पहुंच जाए। सर इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी सर ऐसे क्या है कि अलग अलग डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपने दलहनी फसलें लगाई हैं, अनाज जैसी फसलें लगाई हैं, तो उसमें आप 10 से 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियों के केस में हर 5 से 6 दिन में आप स्प्रे करिए इसका। जी जी सोनम जी हैं, सोनम जी का एक सवाल था। सोनल पाटिल। हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। मुझे पूछना था गन्ने में इसका क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, और जो सीजनल क्रॉप रहते हैं उड़ीद मूंग, तो उनको फ्लावरिंग स्टेज में यूज करना है या पहले से 8-8 दिन का स्प्रे देना है? मैम पहले से ही आप जैसे जो भी दलहनी फसलें हैं, आप जैसे आपने मान लीजिए जिस दिन आपने सोइंग किया है उसके 10 से 15 दिन बाद आप इसका स्प्रे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने शुरू से स्प्रे किया है तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो आप जैसे ही आपने क्रॉप लगाई है 10 से 15 दिन बाद आप इसमें स्प्रे चालू कर दीजिए, और मान लीजिए 1 हफ्ते से 10 दिन के गैप में आप स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। तो ये जीवामृत या दशपर्ण अर्क के साथ मिक्स करके एक साथ स्प्रे दे सकते हैं? जरूरत नहीं है वैसे, आप चाहें तो उसको दशपर्णी अर्क के साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, बट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप उसको, बिकॉज क्या होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दशपर्णी का रिजल्ट रहा है या ये आपको मिट्टी के स्प्रे से आपको रिजल्ट मिला है। तो आप कोशिश करिए एक अलग पैच में पहले करके देखिए, सो दैट आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। अगर आप मिला देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज ने आपको रिजल्ट दिया है। और जो मिट्टी हमको चाहिए वो हमारे खुद के फार्म की चाहिए या नियर अबाउट किसी के फार्म की रहेगी तो चलेगी? कोशिश तो यही करिए कि आप खुद के फार्म की आपको मिल जाए, अगर आपको नहीं मिलती तो आप दूसरे फार्म से भी ले सकते हैं। थैंक यू सर जी। तो आपने सर जैसे बताया था थ्रिप्स का, थ्रिप्स हरा तेल और सफेद मक्खी के लिए सर कोई वो बताया था सर अभी आपने सर? हरा तेल का सफेद मक्खी का मैं अभी तक बोले ना, ये अरंडी तेल और सबसॉइल स्प्रे करो या जड़ के पास दो, मगर सब लोग ये ध्यान करना जब जड़ के पास ये सबसॉइल और अरंडी तेल देता उस सड़ने वाला चीज कोई भी उस उधर नया, अगर तेल सड़े तो कीटनाशक दवा नहीं काम करेगा जी, ये ध्यान करना सब लोग। स्प्रे का तो करो आप कोई भी, इसके बाद अभी अरंडी तेल ये करने के बाद 4-5 दिन के अंतर दूसरा करना है तो करो। अच्छा, स्प्रे भी कर सकते हैं सर इसका? नहीं, अरंडी तेल और सबसॉइल स्प्रे कर सकते हैं, और जड़ के पास कोई सड़ने का चीज नहीं डालना, सड़ने वाला जैसे सर वो मल्चिंग कर रखी है वो तो कोई दिक्कत नहीं देगी? हाँ, मल्चिंग कोई दिक्कत नहीं रहेगा जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद सर जी। कमल मात्रा जी है? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज सवाल पूछिएगा। सर नमस्ते जी, मैं हरियाणा से फतेहाबाद से बोल रहा हूँ सर। सर इस मीटिंग में लगभग सभी जैविक किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं, और जब हम सबको ये पता है कि कीट दो प्रकार के होते हैं, मित्र या शत्रु या शाकाहारी या मांसाहारी, तो हमें स्प्रे करने की क्या आवश्यकता है जी जब शत्रु कीट मित्र कीट मरते नहीं, इससे सबसॉइल से मरते नहीं, अरंडी तेल से भी वो खाते नहीं ना, सिर्फ उसका फूड है कीड़ा, कीटे अगर कीड़े नहीं तो वो भी नहीं आएगा वहाँ पर। आपको आवाज आई? आपको समझ, वो सीबीआर जी बोल रहे थे मित्र कीड़े न, वो असल की उसका खाना नहीं है तो मित्र कीड़े भी नहीं रहेगा वहाँ ज्यादा जी, दूसरे जगह ढूंढेगा जी। समझ सर जी, बोलिए सर जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था जो ये कैस्टर ऑयल बता रहे हैं, ये क्या अकेला भी स्प्रे कर सकते हैं इसको पानी मिला के? जो कैस्टर ऑयल आपने बताया रस चूसा कीटों के लिए डालने के लिए, इसको अकेला भी स्प्रे कर सकते हैं पानी में मिक्स करके? ये कैस्टर ऑयल जी जी, हाँ जी, पानी में मिक्स हुए तो स्प्रे करो,
मगर ये सॉइल के साथ करे तो सूक्ष्म पोषक सब पोषक तत्व देगा ना, सॉइल के साथ दिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अकेला क्यों करना चाहते हैं आप? सर जी मान लो बाय चांस किसी के कीट ही प्रॉब्लम हो, उसे पोषक तत्व की जरूरत ना हो तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? हमने नहीं देखा ऐसा करके, आप देखो करके देखते वही दिक्कत होता, डायरेक्ट मिक्स नहीं होता, सब सॉइल के साथ ही मिक्स करें तो ही पानी में उसके कस्टोराइल के ये जाएंगा ना पानी में थोड़ा। मैं पहला वीडियो में ही बोला अरे ये एमल्सीफायर जैसा काम करते हैं सॉइल बोल के। मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र। मैं अभी तक ऑर्गेनिक खेती शुरुआत नहीं किया, मेरे खेत में अभी तक रासायनिक खत और इसका ही वापर हुआ है, ये साल से मैं करना चाहता हूँ, तो क्या क्या इसके साथ ये अपना ये कर सकता हूँ मैं या शुरुआत से? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ मतलब अभी ये साल से मैं मेरे हाथ में खेती आई तो मैं अभी ऑर्गेनिक करना चाह रहा हूँ। जरूर करिए जी जी, धन्यवाद जी जी। हेलो हेलो सर, मेरा सवाल यह है कि अगर आपने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ अगर ये सॉइल ट्रीटमेंट यूज किया तो कामयाब हो सकती है क्या? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में ये सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा होने से, ये ड्रिप स्पेशली ड्रिप एरिया में ज्यादा होने से ये सूक्ष्म पोषक ये सब कमी होगा पड़ेगा। अच्छा तो नहीं करना ज्यादा अच्छा है? हाँ इसमें भी एनपीके है, उसमें भी एनपीके, डबल डोज हुए तो कैसा होता? ठीक है सर, बराबर। हाँ ने वो सर मेथड अप्लाई करा सर, स्प्रे कर रहे हैं सर हम सर, उसके साथ सर तेल मिलाया और सर उसके साथ मिट्टी वाली सीबीआर वाली स्प्रे कर रहे हैं सर। तो क्या सर हम उसमें स्टिकर भी मिला सकते हैं क्या सर? स्टिकर यूज कर सकते हैं? स्टिकर का जरूरत नहीं है, स्टिकर अगर यूज कर नहीं नहीं आप थोड़ा हिस्सा में वो ना बोले तो वो भी करके थोड़ा हिस्सा में बाजू में, ओके थोड़ा एरिया में करो। ओके सर, ओके अगर उसका हिस्सा मिलाने से रिजल्ट चाहे तो लोगों को बता दो। ऑर्गेनिक काम से है, किसी का सवाल है यहाँ पे? नमस्कार सर, मैं मंत्री बोल रहा हूँ करनाल से, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से। मैं थोड़ा साफ बोलिए, आपकी आवाज कर रहा है, आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है भाई से, थोड़ा साफ बोलिए। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हेलो सर नमस्कार, मैं मंत्री बोल रहा हूँ की एसटी ऑर्गेनिक से पिछले छह साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें बासमती धान, मूंग, सरसों और बंसी गेहूँ, बाकी फसलें बहुत बढ़िया हो रही है परंतु गेहूँ की पैदावार नहीं बढ़ पा रही है। हेलो देखो ये सब सॉइल अरंडी तेल यूज करने से वो छिड़कने से वो छिड़को छिड़काव करो और छीटो हाथ से छीटने से वो बहुत बढ़िया। पर एकड़ क्या सर नीचे छिड़कने से पर एकड़ क्या डोज होगी इसकी सर? एक सौ किलो मात्र, एकड़ को सौ किलो दे दो नीचे देने का। ऊपर ऊपर तो 20 किलो 1 लीटर अरंडी तेल और 200 लीटर पानी। नहीं सप्रे में तो समझ आ गया सर, नीचे पर एकड़ क्या डोज होगी इसकी? 100 किलो नीचे 5 किलो 100 किलो में मिलाओ मिट्टी में। ठीक है सर। और बिजाई के समय ही डालने या बिजाई से पहले डालने सर? बिजाई पहले डालो, बोनी करने के बाद रोपाई करते क्या धान? हाँ जी रोपाई करते हैं सर। गेहूं का फसल बोल रहे तुम? गेहूं की फसल में सर, गेहूं की फसल की। हाँ गेहूं बोनी करने से पहले डाला और बढ़िया रहता, और बाद में 15 दिन को एक बार, 15-20 दिन को एक बार थोड़ा थोड़ा मात्रा में दे, ज्यादा दिए तो भी बिल्कुल नष्ट भी हो जाएगा क्योंकि इसमें फास्फोरस ज्यादा रहेगा, फास्फोरस ज्यादा होने से जिंक आयरन डेफिशिएंसी होगा, ज्यादा भी नहीं देना। ओके जी देखते देखते समय थोड़ा देना जब पुटाऊ ठीक है ना क्यों में। हाँ जी हाँ जी, पिलरिंग पिलरिंग के वक्त देना और बाद में देखते देखते कैसा जरूरत है वैसा यूज करना। ठीक है सर, थैंक यू सर।
जी सब सॉइल के साथ में दूसरी जगह से मिट्टी डालना मिक्स करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, और अगर दूसरी जैसे लेते हैं तो उसको मतलब कितनी गहराई तक अपन मिट्टी काम में ले सकते हैं? अरे तुम्हारा जमीन का गहराई कितना भी जान दे, वो गहराई का मिट्टी बहुत बढ़िया है। मैं पंजाब हरियाणा में देखा 15 फीट तक भी जाओ वो बहुत बढ़िया क्या पोषक तत्व है और क्या उपजाऊ है सब है। तो सर इसमें मिट्टी का स्प्रे करने के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी या फिर इसमें वो है? ये माता ये भू माता का गोद में है, कोई जरूरत नहीं। ये देखो ये भू माता अभी जंगल में कोई पेड़ों को दिखाई दे रहे क्या? जी सर नहीं, वो ठीक है आपकी बात। वैसे मैं 2 साल से वेस्टी कंपल्सर के थ्रू मतलब उसके हिसाब से कर रहा था, लेकिन अभी एक महीने भर पहले ये CVR का वीडियो देखा था मैंने YouTube पे, और आज जो मतलब क्या लिंक भी मिल गया मुझे तो मैं भी शामिल हो गया हूँ, तो मैंने कहा ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना था। ये अच्छा का आप डेफिशिएंसी वाला भी भर्ती करता है, अगर कम ही रहे तो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिट्टी सबसॉइल डालने से भर्ती हो जाता, पूरी हो जाती। ये इसमें जिप्सम वगैरह मतलब जितने भी ये मार्केट न्यूट्रंस है, ये मिट्टी की रेचिंग करने से डेफिशिएंसी बराबर हो जाएगी या फिर स्प्रे से हो जाएगी? हाँ बिल्कुल 100% हो जाएगा। धन्यवाद सर। हाँ सर, रोहित कपिला बोल रहा हूँ, बीच में छूट गया था मेरा। हाँ बोलिए। अच्छा मुझे ये बताइए गन्ने की फसल में दीमक से एक तो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? अभी कंटिन्यू पानी का कुछ समय देने से ही दीमक आता, ज्यादा अंतर नहीं तो कचरा सड़ने से वो दीमक, थोड़ा पानी हल्का पानी गिरे तो ही दीमक पैदा होता। अगर ये सब सॉइल स्प्रे करे तो भी दीमक नहीं खाता, उसको दीमक मिट्टी को लाता मगर मिट्टी को खाते नहीं। सर ये दीमक के बारे में थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा मैं। हाँ ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का नेचुरल फार्मिंग में, शायद कई लोग इसमें एग्री नहीं करेंगे, बट दीमक जो है मित्र कीट है नेचुरल फार्मिंग में, कभी भी लाइव मैटर को नहीं खाता है दीमक। दीमक हमेशा जो डेड मैटर है, क्या होता है कि आपके पौधों की जो उसमें रोग लगता है वो किसी और कारण से उसकी जड़ें सूखती हैं, किसी और कारण से उसमें रोग लगता है और वो खराब हुई जड़ों में दीमक का अटैक आता है, तो दीमक कभी भी लाइव पौधों को नहीं खाता है। आपके खेत में अगर ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है, आपने मल्चिंग अच्छे से की हुई है, तो कभी भी दीमक आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही बात है, मैं भी मान लेता हूँ। इस बारे में सुमेर भाई भी काफी ग्रुप में काफी बार उन्होंने शेयर किया है अपना अनुभव, और अगर करना भी है दीमक का इलाज तो उसके लिए अधिकतर कहते हैं फंगीसाइड का। एक बार सुमेर भाई आप बता देंगे अपना अनुभव दीमक के साथ? है वो हमारा मित्र कीट है, और जहाँ पे जैसे मेरा एरिया बालुई रेपता का एरिया है, इस एरिया में हमारे एरिया का ये सबसे बड़ा केंचुआ है। वाह बिल्कुल सही बोला सर आपने। वो भी है दीमक की, उस खेत में दीमक की शिकायत नहीं है, उस खेत में फंगस की शिकायत है। ये हमेशा से पल्ले गांठ बांध लो, क्योंकि ये जो आजकल कोई डॉक्टर लोग भी होंगे वो नाराज भी हो जाएंगे शायद, तो मैं आज जोड़ के विनती करता हूँ, वो खाली किताबी कीड़े हैं, उन्होंने करके नहीं देखा है और न ही वो बताएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज को उन्होंने बांध दिया कि दीमक जो है ना आपकी फसल को खा रही है, वो जहां उसको फंगस लगी उस फंगस की तरफ किसी भी किसान साथी का ध्यान नहीं जाने दे रहे। ये हमारी मोटी कमजोरी है, और हम भी उस मेडिकल स्टोर पे जाके और उसको दीमक की दवाई पूछते हैं, फंगस की दवाई कोई किसान नहीं पूछ रहा, ये हमारी मोटी कमजोरी रही है। तो आप अपने खेत में खाली फंगस का ही इलाज करें, दीमक का कोई निदान नहीं करना होता। दीमक कभी भी हरी फसल को नहीं खाती, आदमी जब मरने लगता है ना उसको अनाज नहीं मिलता तो वो घास खाएगा, घास नहीं मिला तो वो कोई फल फ्रूट या कोई चीज खाएगा, अगर मर रहा है ना तभी वो मांस की तरफ जाता है। तो दीमक हमारे से स्याणी है,
जब सब कुछ दूषित हो जाएगा तो हरी फसल को खा सकते हैं नहीं। सुमेर जी शायद ये आपकी बातों पे बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये बात मैं कई जगह उठा चुका हूँ कई प्लेटफॉर्म पर कि दीमक एक मित्र कीट है, लोग मानने को तैयार नहीं होते इस चीज को। तो बड़ा अच्छा लगा जानकर आपके, मतलब आपके ही विचार एक जैसे हैं। तो सर मानने को तो रेड्डी सर की बात को भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन जब हम उस चीज में घुसेंगे ना और मिट्टी को करके देखा तो ये चीज हमने देखने को मिली कि हम क्यों पीछे भाग रहे हैं। अगला सवाल, हाँ जी अगला सवाल है, अंजलि जी है यहाँ पे या रियल फार्मर कमल मात्रा। हेलो हेलो क्षीर सर बोल रहे हैं। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। गन्ने में ड्रिप से कैसे यूज कर सकते, गन्ने में हमारे यहाँ ड्रिप है तो ड्रिप से कैसे हम यूज कर सकते हैं सीवर टेक्निक। ड्रिप में पानी से के साथ नहीं देना चाहिए सीवीआर टेक्निक, पानी के साथ ड्रिप में दिए तो ड्रिपर्स पर आएगा वो। हाँ। जिधर ड्रिप पानी गिरता वहां पर हाथ से मैनुअली देना पड़ेगा। हाँ। अगर सिर्फ सब सॉइल टॉप सॉइल देना है तो रात को गोल लेके गोल करके सुबह ऊपर ऊपर का उठा के ड्रिप के साथ दे सकते वो पानी भी। सुबह वो तैरता ऊपर जो तैरता वो पानी को ड्रिप के साथ दे सकते बिल्कुल। मुझे उस टाइम टॉप सॉइल लेने का या सब सॉइल लेने का है? नहीं नहीं गन्ने में टॉप सॉइल, गन्ने में और धान गेहूं में रस चूसने का कीड़ों का प्रकोप ज्यादा नहीं रहेगा वो, इसमें बिल्कुल टॉप सॉइल सब सॉइल आधा आधा 50-50 लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ।